some of the phrases. So let's get discussed. First one is as cheap as chips. As cheap as chips का मतलब होता है कुछ बहुत सस्ता होना, right? इसका meaning क्या है? Really cheap, something that is really cheap. आप example देखो, आपको इससे ज़्यादा clear होगा. Don't worry about paying me back. They were as cheap as chips. Suppose आपके friend ने आपसे कुछ पैसे लिए हैं, right? और वो आपको वापस कर रहा है और वो बहुत थोड़े से पैसे थे और आप उसे क्या बोलते हो कि आप उसको पे करने के टेंशन मत लो. They were as cheap as chips, right? उसको पैसे वापस करने की कोई नीड नहीं है, इतने नहीं थे वो, बहुत कम थे. ठीक है, सो इस कंटेक्स्ट में क्या है, ये वाला फ्रेज क्या है, यूज होता है. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम जस्ट कमिंग बैक. सो नेक्स्ट वन इज बीटन अराउंड द बुश. ये बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, काफी लोग इसको यूज भी करते हैं. इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? Avoid saying something what you actually mean, usually because it is uncomfortable. Suppose आपसे कोई आपका friend कुछ पूछ रहा है ना, और आप उसको divert कर देते हो कि जब आप नहीं बताना चाहते, like because somewhere you feel uncomfortable. So at that time ये वाला phrase use किया जाता है. Just stop beating around the bush and tell me what's happening around you from past one week. बातें बनाना बंद करो, मुझे बताओ कि पिछले समय से, पिछले एक हफ्ते से आपके साथ क्या हो रहा है. ओके, कोई पर्सन नहीं बताना चाहता, कई बार होता है ऐसे, है ना. तो एट दैट टाइम दिस फ्रेज कैन बी यूज, बीटिंग अराउंड द बुश. ओके, जस्ट स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू फ्रॉम पास्ट वन वीक. इट मीन्स कुछ नहीं बताना चाहते हो, जब आप थोड़ा डाइवर्ट कर देते हो चीजों को, कुछ नई तरीके से नहीं बताना चाहते, तो आप ट्राई करते हो, यू ट्राई टू पुट इट ऑफ. सो एट दैट टाइम दिस फ्रेज कैन बी यूज. टेक दिस स्क्रीनशॉट, आई एम जस्ट कमिंग बैक. सो नेक्स्ट वन इज बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री. बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री होता है जब आप कुछ, आपने कुछ अचीव करना होता है बट आपका वे जो है ना वो गलत होता है. टू बी रॉन्ग अबाउट द वे टू अचीव समथिंग. कुछ आपका सपोज आपको, आप बनना चाहते हो IAS बट आपको नहीं पता कि हाउ टू अचीव दैट गोल. आपको नहीं पता कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ कहाँ पे पढ़ना है, तो आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो कि जो गलत है, मतलब IAS पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिलेबस का पार्ट नहीं है. इट मीन्स यू आर बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री. यही होता है कि आपकी जो लाइन है वो थोड़ी गलत है, ये वे नहीं है जो आप अचीव करना चाहते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू आर बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री. Rather than writing the whole chapter, you should extract some important points out of it. Right? देखो जी, suppose कोई person है वो proper chapter ही लिखी जा रहा है, ठीक है, but उसको ये नहीं पता कि अगर exam के लिए prepare करना है तो हमें notes जो highlights देखने होते हैं, बाकी तो explanation अपने आप हो जाती है. कुछ persons का ये point of view होता है. तो जो person है अगर वो पूरा chapter ही लिखने बैठ जाएगा, he'll get nothing out of it, है ना. So उसने अपने फ्रेंड को क्या सजेस्ट किया, आई थिंक यू आर बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब आपका जो काम करने का वे थोड़ा सा गलत है. रेदर देन राइटिंग द होल चैप्टर यू शुड एक्सट्रैक्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ इट. आर यू गेटिंग मी? टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज. सो नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट. नेम से ही थोड़ा लग रहा है ना कि कुछ, बुलेट नेम से ही ऐसे लगता है कि पता नहीं कैसा, समथिंग डिफिकल्ट टू डू, राइट. इसका यही मतलब है, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट और टू बी ब्रेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन. हमें क्या होता है, कई बार वी हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस फॉर द सेक ऑफ समथिंग और फॉर द सेक टू अचीव समथिंग. तो कई बार होता है कि हमें हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं होते. यू आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट बट टाइम इज डिमांडिंग टू डू दैट, राइट. टाइम मांग कर रहा है कि हाँ हमें वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है. तो इसका यही मतलब है, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट, जो अनप्लेजेंट है और डिफिकल्ट भी है करना, और टू बी ब्रेव इन डिफिकल्ट. और इसका अलग मीनिंग और क्या है, बहादुर बनना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में. ओके, आई एम गोइंग टू बाइट द बुलेट एंड क्विट माई जॉब. देखो जी, जहां आप जॉब कर रहे होते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आपके पास जॉब नहीं होती है ना, जब आपने सोच लिया कि मुझे ये जॉब छोड़नी है, आपके हैंड में नेक्स्ट कोई जॉब नहीं है, सो इट्स लाइक बाइटिंग द बुलेट, ठीक है. इस कंटेक्स्ट में क्या है, ये वाला फ्रेज यूज किया जाता है.
आई एम गोइंग टू बाइट द बुलेट एंड क्विट माय जॉब. मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ. इट्स लाइक आई एम गोइंग टू बाइट द बुलेट. माइट बी उसके पास नेक्स्ट जॉब नहीं होगी, है ना. तो ये क्या है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको क्या है, बिना जॉब के एक जॉब आप छोड़ रहे हो या और भी कई क्या कहते हैं उसको, होती है सिचुएशंस जो आपके सामने आती हैं. तो जो डिफिकल्ट भी है, दैट्स व्हाई दिस फ्रेज हैज बीन यूज्ड, गोइंग टू बाइट द बुलेट. टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज. सो नेक्स्ट वन इज बेटर लेट देन नेवर. गाइज ये आपने बहुत बार सुना होगा. कई बार क्या है कि कुछ फ्लेक्स वगैरह भी होते हैं ये वाले फ्रेज के, जब आप रोड्स पे जाते हो या ड्राइविंग पे जाते हो तो ये चीज लिखी होती है, बेटर लेट देन नेवर. तो इसका क्या मीनिंग है, टू अराइव और डू समथिंग लेटर एक्सपेक्टेड देन नॉट टू अराइव और डू समथिंग एट ऑल. कहते हैं ना कि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है. देखो जी ये थोड़ा सा अलग लाइन में ट्रैक पर चली गई एग्जांपल, मैं आपको अदर एग्जांपल देती हूँ. ऐसे होता है ना कि जो बंदे ड्राइव करते हैं हम कहते हैं कि स्लो चलाओ, बेटर है कि आप लेट पहुंच जाओ ना, ताकि ना पहुंचने से, है ना. तो या कोई काम ऐसे होता है हम बोल देते हैं कि रुक के कर लो, मतलब लेट कर लो इसको, बेटर है ना कि आप, एक तो होता है कि करना ही नहीं है और बेटर है कि आप थोड़ा रुक के कर लो, थोड़ा ब्रेक लेके कर लो, आपको जितना टाइम चाहिए वो लेके कर लो, मतलब लेट कर लो बेटर है कि ना करने से, ठीक है. यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्राइव स्लोली बिकॉज इट्स बेटर लेट देन नेवर. जिनको आप, जिनके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, जो आपके लव्ड वंस हैं, आप बोलते हो उनसे कि इट्स बेटर टू बेटर लेट देन नेवर. आपका लेट आना मंजूर है ताकि आपके बिल्कुल ना आने से, है ना. तो ये फ्रेज इस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है गाइस. एक तो इसलिए यूज किया जाता है लाइक कहीं पहुंचना है आपने, और एक कुछ ना करने से एटलीस्ट आप उस चीज को लेट कर लो. सो ट्राई टू यूज दिस फ्रेज इन योर स्पीकिंग. आई होप यू लाइक द सेशन. थैंक यू सो मच.